खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा शहर में विभिन्न स्थानों पर रावण का दहन हुआ। रावण दहन के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं दी। दशहरा मिलन के बाद लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर देवी देवताओं को पत्ता रूपी चांदी सोना चढ़ाकर आशीर्वाद भी लिया। शाम ढलते ही शहर में प्रमुख रूप से एसएम कॉलेज मैदान, स्टेडियम ग्राउंड और नवचंडी देवी धाम प्रांगण में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रावण दहन के पूर्व भव्य व आकर्षक आतिशबाजी का आनंद शहरवासियों द्वारा लिया गया। वहीं गली मोहल्लों में भी छोटे छोटे बच्चों ने रावण के पुतलों का दहन किया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व शुक्रवार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। एक और जहां दसवें दिन मां शक्ति की विदाई बड़ी ही धार्मिक उल्लास के साथ नाच गाकर हुई, वहीं रावण दहन के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाकर शहरवासियों ने एक दूसरे को गले लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं दी। नवचंडी देवीधाम प्रांगण में विशालकाय 10 सिर वाले रावण के पुतले का दहन किया गया। नवचंडी मेला प्रांगण में रावण दहन के पूर्व करीब 1.5 से 2 घंटे की आकर्षक आतिशबाजी द्वारा प्रस्तुत की गई। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शहरवासियों ने रंग बिरंगी आतिशबाजी को निहारा। रावण दहन के पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। एसएन कॉलेज मैदान पर भी दहन। श्री नीलकंठेश्वर गुलमोर बाबा दशहरा उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एसएन कॉलेज मैदान भंडारिया रोड पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समिति के बलराम वर्मा ने बताया, इस वर्ष भी 71 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के पूर्व कलाकारों द्वारा आकर्षक आतिशबाजी पेश की गई। 51 फीट के रावण का हुआ दहन। श्री नीलकंठेश्वर अंजनी शक्ति दशहरा उत्सव समिति द्वारा स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। समिति द्वारा सफलतम आयोजन में इस वर्ष पर 51 फीट के रावण का पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के पूर्व कलाकारों द्वारा आतिशबाजी के आकर्षक आइटम पेश किए गए।